फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारा सा बाल गोपाल की विग्रह विदाउट एनी क्ले और वॉल पुट्टी से बनाकर दिखाने वाली हूँ। इसमें मैंने किसी भी तरह के क्ले का यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये बहुत ही खूबसूरत सी विग्रह बनकर तैयार हुई है। आप लोगों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होगा कि मैंने इसे केवल पेपर से बनाकर तैयार किया है, क्योंकि आप लोगों में से ही कुछ लोगों ने मुझे चैलेंज दिया था कि दी प्लीज़ बाल गोपाल की विग्रह बनाकर दिखाइए बिना किसी भी क्ले। तो इसलिए मैंने ये विग्रह आप लोगों के लिए बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते। बाल गोपाल की विग्रह बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 एल्युमिनियम वायर लिया है और उसे हाफ हाफ फोल्ड कर लिया है, और इन दोनों को मैंने टेप की हेल्प से आपस में अच्छे से फिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने बाल गोपाल के बॉडी को बनाने के लिए कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा लिया है, और उसे हम कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसे हम रबर बैंड लगा लेंगे। अब इसे हम ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस कार्डबोर्ड की जगह पर न्यूज़पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं, और इस तरीके से हम इसके अंदर डाल लेंगे। और अब हम इनके हाथ और पैर बनाएंगे, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ पेपर को पतले पतले स्ट्रिप में कट कर लिया है, और उसे हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। आपको जितना मोटा हाथ चाहिए उसी हिसाब से आप इसमें फेविकॉल की हेल्प से इसे फोल्ड करते जाइए। जैसे हमने हाथ बनाया था, सेम तरीके से हम पैर भी बना लेंगे, और अब हम इनके गर्दन को बनाएंगे। तो सेम तरीके से ऊपर वाले वायर में भी हम सेम पेपर को स्टिक करते जाएंगे, जब तक कि जितना मोटा हमें चाहिए उसी हिसाब से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। गर्दन के ऊपरी हिस्से में हम हॉट ग्लू लगाकर इसके ऊपर हम हेड बना लेंगे बाल गोपाल के लिए। तो यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ किया है, और उसे हम जितना बड़ा बनाना चाहते हैं हेड, उसी हिसाब से हम उसके ऊपर टिश्यू पेपर को लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर का यूज़ किया है, आप यहाँ पर न्यूज़पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम बिठाकर देख लेंगे जिस तरीके से हमें इन्हें बिठाना है, और यहाँ पर हम टिश्यू पेपर लेंगे। आप लोग न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर हम इसे पतले पतले स्ट्रिप में पहले कट कर लेंगे, और इसे फिर हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो चलिए हम इसे पहले कट कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर को कट कर लिया है, और अब हम इसमें थोड़ा सा फेविकॉल मिलाएंगे। तो यहाँ पर आपको जितना भी लगे उतना आप फेविकॉल मिला लें, और इसे हम अच्छे से आपस में मिक्स कर देंगे। ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, और इसे हम एकदम अच्छे से आटे की तरह गूँथ लेंगे। और ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में, तब इसी से हम ये पूरी मूर्ति को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हेड में इसको चिपकाएंगे। पहले आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा फ्रेंड्स, तो इसे अच्छे से आप धीरे धीरे करके चिपकाते जाइए, और ये जब ड्राई हो जाएगा तो इसमें काम करना बहुत ही इजी हो जाएगा। मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो को स्लो दिखाने की कोशिश की है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों को मेरी वीडियो समझ नहीं आती है। आप लोग बोलते हैं कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो इसलिए मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स, तभी आप लोग को समझ में आएगी। तो जिस तरीके से हमने हेड में लगाया है, सेम तरीके से हम पूरे बॉडी में भी अच्छे से इसे लगा लेंगे।
हाथों और पैरों में भी हम टिश्यू पेपर को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और इसी से हम इनके फिंगर्स को भी बना लेंगे। बहुत ही इजी है फिंगर्स बनाना फ्रेंड्स, बस इस तरीके से हम इनके हैंड्स को बना लेंगे और हम सेम तरीके से इनके लेग्स को भी बनाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं फेस की डिटेलिंग्स कर लेंगे, आईज और नोज बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आईज बनाने के लिए पहले इसे अच्छे से एक दिन के लिए ड्राई कर लिया है। ड्राई जब हल्का सा ड्राई हो जाए तब हम इनके आँख के अंदर हॉल करेंगे और इसके अंदर वाइट कलर के बीट्स को अंदर डाल देंगे और इसे हम ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए फ्रेंड्स, तब हम कुछ इस तरीके से इनको बिठाने के लिए नीचे की साइड से पेपर का टुकड़ा लगाएंगे ताकि अच्छे से बैठ पाए। मूर्ति ड्राई हो जाने के बाद हम इसमें कलर करेंगे, तो पूरे बॉडी को फ्लैश टिंट एक्रेलिक कलर से इसको कलर कर लेंगे। रेड एक्रेलिक कलर से इनके हाथों और पैरों में डिज़ाइन बना लेंगे और अब हम इनके आईज़ को कलर करने के लिए सबसे पहले हम वाइट कलर से पूरे आईज़ को कलर कर लेंगे और अंदर के साइड में हम स्काई ब्लू कलर से कलर करके इनके आईज़ को बना लेंगे। ब्लैक एक्रेलिक कलर से इनके आई लेसेस और आईब्रोज बना लेंगे। रेड कलर से इनके लिप्स और इनके तिलक को बना लेंगे अच्छे तरीके से फ्रेंड्स। व्हाइट एक्रेलिक कलर से इनको चंदन का श्रृंगार कर देंगे। कलर से इनके हेयर्स को कलर कर लेंगे। यहाँ पर कलरिंग कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स, अब हम इनको धोती पहनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर के वेलवेट फैब्रिक का यूज किया है। दोनों साइड से मैंने 3-4 प्लीट्स बना लिया है और उसे भी हॉट ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लिया है। ऊपर की तरफ से एक कपड़ा लगा लेंगे, उसे भी प्लीट्स बनाकर आगे और पीछे की साइड से हम स्टिक कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ लेस है, उससे हम इनके धोती को डेकोरेट कर लेंगे। इनके हेयर्स को बनाने के लिए मैंने ब्लैक कलर के ऊन का यूज़ किया है और पहले हम फेविकॉल का अप्लाई कर लेंगे और उसी से हम इस तरीके से उनको एक साइज में कट कर लेंगे पहले और उससे हम इस तरीके से आपस में स्टिक करते जाएंगे। जब ये सारे सूख जाए तो इसे हम टर्न कर लेंगे बैक साइड में और इससे इनका चूड़ा बना लेंगे बहुत ही खूबसूरत सा।
आपके पास जो भी चीज़ें हो फ्रेंड्स, उससे आप इनको डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास स्टोन लेस पड़ी हुई थी, उसी से मैंने इनका क्राउन बना लिया है और इसी से हम इनकी ज्वेलरी बना लेंगे। तो आप लोग वीडियो में दिखाए गए तरीके से इसे अच्छे से बना सकते हैं फ्रेंड्स। बॉल चैन से इनके जूड़े को डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बॉल चैन को चिपकाने के लिए फेविकॉल का यूज़ किया है। अब इनको हम एक मोर पंख लगा देंगे और अब इनको हम एक बांसुरी पकड़ा देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने बांसुरी को गोल्डन पेपर से बनाया है और उसे कुछ डेकोरेट कर दिया है। मैंने बहुत बार अपने चैनल पर राधा कृष्ण की मूर्तियाँ बनाई हुई है, उसमें मैंने बांसुरी बनाना आप लोग को सिखाया है, इसलिए मैंने इस वीडियो में आप लोगों को नहीं सिखाया है बांसुरी बनाना। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लॉन्ग वीडियोज़ को जा करके वॉच कीजिए आप लोग को सीखना हो तो। तो ये रहा फ्रेंड्स बाल गोपाल की विग्रह का फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।